दिवस के अवसर पर आज बंबू फ्लैट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष मरियम बीबी मुख्य अतिथि के तौर पर वहां मौजूद रहे। तो हम विश्व एड्स दिवस ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ये ऐसा बीमारी है जिसका आज तक प्रॉपर एंड बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है। इस बीमारी को खाली प्रिवेंशन ही है। इस बच्चे ने जैसे उसका स्पीच शुरू किया, उसे बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सबसे अच्छा एक फ्रेम है। इसमें क्या है, हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट करने से क्योर से जरूरत नहीं है। और एक ऐसा ही बीमारी है जिसे हम खाली बच सकते हैं और दूसरों को बचा सकते हैं। तो एक क्या है, एक यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वो मतलब वर्ड एक छोटा सा वायरस जिसको हम कहते हैं छोटा वायरस। और उसमें क्या हो रहा है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। हम क्या करते हैं, ह्यूमन हमारे शरीर इम्यूनो जो शरीर बीमारी से लड़ने की क्षमता डेफिशिएंसी उसको कम कर देगा। हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स है जिसे हम सीरी को कहते हैं, उसका काउंट बहुत कम हो जाता है। और मैं ये 200 से बड़ा और जो प्रभावित व्यक्ति है उसको ये बहुत ही कम हो जाता है। तो हमेशा हर साल वर्ल्ड एक देश के रूप बनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो रीजन है और एक शुल्क का जरूरत पड़ा इसके लिए हमारे अंडमी एयरपोर्ट पर ने बताया। तो हम सभी चाहते हैं कि एक ऐसा बीमारी है जिसकी लोग बात करने की कतराते हैं। इससे पहले हमारे रेजिस्ट्रेटर और कहते हैं, वो कहते हैं कि हम एक से रिलेटेड लोग से बात करना है, लोग दूर बांटते हैं। तो ये दूर बांटने का ये और संकोच करके बात करने से भी जो है दिल नहीं करता है कि टॉपिक पर जो है बात करें चर्चा करें। लेकिन मैं समझती हूँ आज वो दिन आ गया है कि हम अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह में हम रहते हैं, आज नंबर ऑफ केसेस जो जल्द से बढ़ रही है, इससे मेरे ख्याल से हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। जैसा कि